प्रेगनेंसी के टाइम अक्सर मैंने महिलाओं को देखा है कि वो एक गलत पोजीशन में बैठती हैं, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी पर तो गलत इफेक्ट पड़ता है या साथ में घर में बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको सही तरीका प्रेगनेंसी में बैठने का पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी परेशानी ना आए। सो मेरा नाम है रेशू, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो आपको बैठते टाइम ध्यान रखनी है वो है, तो एक ही पोजिशन में आपको ज्यादा टाइम तक नहीं बैठना चाहिए। कोई भी किसी भी चीज के लिए अगर आप एक ही जगह बहुत टाइम तक बैठे हुए हैं तो प्लीज आप ऐसा ना करें। थोड़ा थोड़ा टाइम में अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, जैसे कि कोई पूजा पाठ हो रही है, लॉन्ग टाइम तक नीचे बैठने का या एक ही पोजीशन में बैठने का कोई काम चल रहा है तो बीच बीच में उठकर आप थोड़ा सा टहल लीजिए। जैसे कि अगर आप वर्किंग हो, ऑफिस जाते हो और एक ही चेयर पर ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़ता है तो बीच बीच में उठकर आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसे में आपको नुकसान होगा, साथ में बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, जब भी आप बैठे हुए हैं तो अपने पेट के निचले हिस्से को आपको हमेशा सीधा रखना चाहिए, आगे की तरफ ज़्यादा टाइम झुककर नहीं बैठना चाहिए। इससे आपके पेट पर दबाव पड़ता है, बच्चे पर दबाव पड़ता है और जिससे आपको पेट में दर्द महसूस हो सकता है और कमर में भी दर्द महसूस हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद तीसरी चीज, जब भी आप कुर्सी सोफा कहीं भी बैठे हुए हैं तो कभी भी पैरों को लटका कर बिल्कुल ना बैठे। पैरों को लटकाने से आपके पैरों में सूजन आ सकती है, पैरों में दर्द बढ़ सकता है, ब्लड फ्लो में भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हमेशा पैरों को आप फैलाकर बैठिए और अपनी कमर के पीछे एक पिलो लगाकर जरूर बैठिए। इससे आप कमर दर्द से बचेंगे, साथ में पैरों के दर्द से भी बचेंगे, तो हमेशा पैरों को फैलाकर ही आप बैठिएगा। चौथी चीज, प्रेग्नेंट महिला को पालथी मारकर नहीं बैठना चाहिए, मतलब पैरों को एकदम क्रिस क्रॉस करके आपको नहीं बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके यूटेरस पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से बच्चा कभी भी अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता। जैसे कि लास्ट के मंथ में बच्चा एक अपने जन्म की सही पोजीशन लेता है ना, लेकिन इससे फिर बच्चे को दिक्कत आती है। इसीलिए कभी भी पालथी मारकर पैरों को क्रिस क्रॉस करके आप बिल्कुल ना बैठें। इसके बाद पांचवी चीज है, जमीन पर डायरेक्ट ना बैठें, बॉडी में ज्यादा पेन महसूस हो सकता है। इसके बाद लास्ट चीज है, ऐसी किसी भी चीज पे आपको नहीं बैठना चाहिए जिसमें बैक सपोर्ट ना हो, जैसे कि कोई स्टूल हो गया, क्योंकि ऐसे में आपके कूल्हों और पीठ पर दबाव पड़ता है जिससे कि दर्द बढ़ता है। तो आई होप फ्रेंड्स, इन बातों का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम से बचेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।